आपकी सरकार आपके द्वार चौरी के समसवाड़ा में लगा शिविर, कलेक्टर एसपी और विधायक सहित अधिकारी रहे मौजूद। दक्षिण कोरिया से अध्यापन के गुर सीख के लौटा दल, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में गया था 32 सदस्यीय दल। श्री गणेशोत्सव, बड़े पूजा पंडालों में हवन और छोटी गणपति मूर्तियों के विसर्जन का क्रम प्रारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में 10वें दिन की गई उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माराधना, श्री आदिनाथ जिनालय में हुआ शांति पाठ। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा से समूचे प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार शिविरों का आयोजन गांव-गांव करते हुए समस्या समाधान और जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने की मुहिम जारी है। इस क्रम में आज चौरई के ग्राम समसवाड़ा में शिविर सम्पन्न हुआ। शिविर में चौरई विधायक सुजीत चौधरी विशेष रूप से मौजूद थे। और यहाँ आकर आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं हमें। मैं थोड़ा सा अपनी इस योजना के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हमारा जो विभाग है ग्राम की ग्रामीण महिलाओं के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा समसवाड़ा में शिविर था और इसमें जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सीओ, जिला पंचायत सहित पूरे विभाग के सभी कर्मचारी जिला से भी और हमारे जनता को भी पूरे अधिकारी उपस्थित थे। बहुत ही आवेदन बहुत अच्छा दिला था इसका हुआ। इसके पहले हमारे विधानसभा में कुमार पानी में भी ये शिविर लगा था। जब दोबारा वहाँ गया अच्छे रिजल्ट जनता के द्वारा बताया। आज भी बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण किया गया। माननीय कमलनाथ जी का उद्देश्य है कि जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं उनको छिंदवाड़ा या चौरई ना जाना पड़े, उनके गांव में ही जाकर के या गांव के पास में जो बड़ा हाट बाजार जहां लगती है वहां जाकर ही उनके छोटे छोटे प्रकरण, पेंशन से संबंधित, गरीबी रेखा से पावती बनना, ऐसे छोटे छोटे प्रकरण वहीं पर हम निपटाएँ, ऐसी योजना माननीय कमलनाथ जी की है। तो मैंने अभी जहाँ जहाँ भी पता किया हूँ तो बहुत अच्छा परिणाम इस योजना के मिल रहे हैं। इसके लिए माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश के चयनित 32 शिक्षकों व प्राचार्यों का दल 1 सितंबर से 5 सितंबर तक दक्षिण कोरिया के भ्रमण पर था। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य आईएम भीमनवार और डाइट प्राचार्य अनुज्ञा दुबे का भ्रमण के पश्चात नगर आगमन पर डाइट में स्वागत किया गया। दोनों ने सभी से अपनी यात्रा और भ्रमण के अनुभव शेयर किए। मैं स्कूल शिक्षा विभाग में डाइट मतलब टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल हूँ, छिंदवाड़ा में प्रिंसिपल हूँ। और अभी पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ चयनित लोगों का एक दल दक्षिण कोरिया प्रवास में गया था। हमसे पहले एक दल और गया था और अभी हमारे बाद में और 3 दल और जाने वाले हैं, जिसमें एक्सेलेंस स्कूल के प्राचार्य, फिर डाइट से संबंधित प्राचार्य, इसी प्रकार से आईएएससी पीजीबीटी उनके प्राचार्य और संयुक्त संचालक और जो शिक्षा विभाग के जो दूसरे अधिकारी हैं, इन सब का मिला जुला दल था। और हमारे दल का प्रतिनिधित्व हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी इनने किया था। हमारे साथ में हमारी प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ये भी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का कुल 32 लोगों का जो दल था ये दक्षिण कोरिया के प्रवास के लिए 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ हम लोग ये देखने गए थे कि वहाँ की शिक्षा पद्धति, वहाँ जो विकास हुआ है उसमें वहाँ के शिक्षा का क्या योगदान है और
किस प्रकार से ये विकास वहाँ प्राप्त किया है ये देखने के लिए हम लोग गए थे। और ये खास तौर पे दक्षिण कोरिया का चयन करने का कारण ये था कि दक्षिण कोरिया और भारत दोनों को करीब करीब समान समय में स्वतंत्रता मिली थी। उनको 1948 में मिली, हमको 1947 में मिली। उन्होंने भी युद्ध की विभीषिका झेली, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का, हमने भी युद्ध की विभीषिका झेली। और जो परिस्थितियाँ थी, गरीबी और निरक्षरता और बाकी सब जो था विकास के जो थे, वो सब सारी परिस्थितियाँ दोनों की करीब करीब एक सी थी कि स्थिति वहाँ का आज की स्थिति में वहाँ की जो शिक्षण पद्धति है वो पूरी तरह से आधुनिक है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हर क्लास स्मार्ट क्लास थी, वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो स्मार्ट स्क्रीन की सहायता से पढ़ा रहे थे। बच्चे भी टैबलेट और कंप्यूटर इनकी सहायता से अपनी पढ़ाई करते थे। उन लोगों का जो हम लोग बैगलेस स्कूल की बात करते हैं वो वहाँ पर वास्तव में है, लॉकर्स में बच्चों का सामान रखा रहता है। उन लोग वहाँ आकर 9:30 से 5:30 तक स्कूल में रहते हैं, वहीं अपने सामान का उपयोग करते हैं, प्रोजेक्ट भी बनाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और वहाँ पर बहुत संपन्न, वहाँ की हर स्कूल की लाइब्रेरी बहुत संपन्न है। और सबसे जो मुख्य चीज़ जो मुझे वहाँ महसूस हुई कि वहाँ पर प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक कोरिया भाषा में ही उनका शिक्षण होता है। मुख्य रूप से मातृभाषा में जो उन लोग का शिक्षण है वो कोरिया भाषा में ही होता है और सभी उसमें सहज हैं और विकसित उन लोग का दृष्टिकोण है पूरा। कि भाई वहाँ की जो पढ़ाने का तरीका है वो उसको देख के हमारी सुविधा के अनुसार हम यहाँ क्या अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमको भेजा था। तो हमने वहाँ देखा उनके मतलब यदि पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो मतलब उनकी व्यवस्था के अनुसार ऊँचा है और हमारी व्यवस्था के अनुसार मतलब अलग है। इन्हीं सब सुविधाओं के साथ यहाँ पर क्या अपन बदलाव कर सकते हैं सर? मतलब हमारी ये सुविधाओं के अनुसार मतलब यहाँ पर हमको नवाचार करना पड़ेगा कि जिससे मतलब छात्रों को स्कूल के प्रति और विषय के प्रति, जैसे हमारा साइंस के प्रति बच्चों का रुझान कम हो रहा है उसके प्रति हमको जागरूकता बढ़ाना है। कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव अच्छा रहा। साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के क्रम में आज ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज बटाविया ने आज प्रदेश के जिलों के अधिकारियों से क्रमशः चर्चा की और जरूरी निर्देश प्रदान किए। इससे भी हम 11.99 लाख लाइन डेज हम जनरेट करेंगे और लगभग हमारा ये 3 महीने का टारगेट रहेगा 23 लाख 80 हज़ार का। इस टाइम का 30,615 लेबर की आवश्यकता हो गई है और जो पिछला हमारा जो ट्रेंड हमें पूरा हमें नीचे चार्ट में हमने मंथ वाइज इस तरीके से हम वर्क वाइज में हम इसमें अचीवमेंट करेंगे ना। और बिल्कुल कर लेंगे ना। 20 तारीख के भीतर ट्रांसपोर्ट यूनियन छिंदवाड़ा ने आज पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों से अवगत कराया। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। व्यापारियों की अवैध वसूली बंद करो। ट्रकों से व्यापारियों की अवैध वसूली बंद करो। व्यापारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग यहाँ आए हैं, 4 दिन से हड़ताल चल रही है। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में व्यापारी जो है वो यानी अवैध वसूली कर रहे हैं, यानी गुंडागर्दी के साथ कर रहे हैं। जैसे हम अपना बारदाने, तो बारदाने का भाड़ा काटते हैं। हमारे जो हमाली के 2 रुपये से लेके 4 रुपये कट्टी तक काटते हैं और भी नगद अगर भाड़ा वो देते हैं तो उसमें से और भी टैक्स लगा करके वो कैश डिस्काउंट जैसे होता ना वैसे 2% वो काट लेते हैं। तो ये जो अवैध वसूली की इंतहा हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अब हो गया है। पहले कोई ज़माने में
थोड़ा बहुत 10-50 रुपए काट लेते थे तो कोई ध्यान नहीं देता था। उनकी मर्जी से मंडी बंद कर, अब ये है उनकी मर्जी से, उनने 4 दिन से जो मंडी बंद करके रखे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ट्रक वाले ट्रक नहीं लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है भरने नहीं दे रही। ये अवैध आरोप है उनका, गलत आरोप है। तो ये जो हमने अभी प्रशासन को माननीय कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन कि इसमें तो अविलंब बैठक बुला करके और उनकी जो अवैध वसूली वो बंद करवाएं, चाहे वो बारदाने पे हो, चाहे कैश डिस्काउंट हो और चाहे 2-4 रुपये कट्टी जो हमाली के हो। हाँ, ये जो है बंद, एक ट्रक का जो भाड़ा है वो यहाँ से हैदराबाद है जाओ तो 40,000, 35,000, 45,000 का होता है, उसमें ये लोग जो है 3,500 से 5,000 रुपये ट्रक तक काट रहे हैं। तो इसमें जब अति हो गई, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया है और जब तक ज्ञापन ये कोई निराकरण शासन नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जिला अस्पताल में एड्स पीड़ित महिला के सिजेरियन का मामला तूल पकड़ चुका है। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने मामले की जाँच SDM अतुल सिंह को सौंपी है। ऐसा जानकारी संज्ञान में आई थी कल कलेक्टर महोदय द्वारा, उस संपूर्ण घटना की जांच मुझे दी गई है, मुझे कलेक्टर महोदय से पत्र प्राप्त हो गया है और उसमें सिविल सर्जन से हम रिपोर्ट और सारे हॉस्पिटल के पूरे अभिलेख प्राप्त कर रहे हैं कि किस कारण ये घटना घटित हुई और किस कारण ऐसा किया गया, उसकी जानकारी संपूर्ण अभिलेखों सहित हमने सिविल सर्जन से मांगी है और मैं हॉस्पिटल भी जाके जहाँ ऑपरेशन हुआ है उसका और जो जो उसमें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम थी, नर्स थी और जो भी आवश्यक होगा उनके सबसे उनको सुन के आवश्यक साक्ष्य लेके उनके कथन अंकित करके और फिर अपना प्रतिवेदन 7 दिवस के अंदर मैं कलेक्टर महोदय को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित करूँगा। 11 सितंबर की शाम परतला के महाराजा की महाआरती में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई। किसी व्यक्ति को भगवान
पंतराज महाराजा के दरबार में सहयोग करना हो। इससे रिलेटेड हमारे कुछ सवाल थे, इन्होंने सही दिए। सृष्टि राम थे के करणी सेना छिंदवाड़ा इकाई ने शहर में स्थापित पूजा पंडालों को व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों और गणपति की छवि के आधार पर पुरस्कृत किया है। करणी सेना द्वारा परतला के महाराजा गणपति समिति को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। श्री गजानन महाराज के चरणों में वंदन करते हैं, बना रहेगा और आप भविष्य में भी इसी तरह की प्रस्तुति देते रहेंगे और भक्तों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। बोलिए गणेश भगवान की। हमारे तरफ से केवल 3 पुरस्कार रखे गए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें परतला के महाराजा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोल परतला के महाराजा की, महाराजा की खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सृष्टि माता मंदिर में विराजे मन्नत के राजा गणपति के यहाँ आज श्रद्धालुओं ने हवन अनुष्ठान किया। इंद्रनगर के महाराजा गणपति पूजा पंडाल में 11 सितंबर को भक्ति संध्या का शानदार आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा। और चलिए आप सभी को लेकर भर भर जाता
पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता के प्रयास सफल हो रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है। जी हाँ, घरों में विराजित गणपति मूर्तियों को टब में विसर्जित कर शहर के अनेक श्रद्धालुओं ने जागरूकता का परिचय दिया है। गणपति बाप्पा मोरिया, पुढ़चा वर्षी लौकरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे, ओ मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। जब आते हो अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंद जाती हैं तुमसे, तुम जब आते हो अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, ओ मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। पूरे 10 दिनों की आराधना, पूजा और अनुष्ठानों के पश्चात गणेशोत्सव में अब मूर्ति विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो चुका है। विसर्जन स्थलों पर नगर निगम और शहर के पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे, ओ मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।
कितनी उम्मीदें बंध जाती है तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंध जाती है तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो क्या ले जाते हो। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना। खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे। क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं आज के गणेश विसर्जन के? इस गुलबहरा नदी के घाट पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर गणेश विसर्जन हेतु पूरी सतर्कता प्रशासन द्वारा बरती गई है, जिसमें एक ये नाव स्पेशली जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है और डीजल से चल रही है, इसके माध्यम से अगर किसी प्रकार की कैजुअलिटी से बचने के पूरे प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा आप पीछे देख रहे हैं मशीनों के माध्यम से जो है गणेश विसर्जन किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। और एहतियातन के तौर पर यहाँ पर रस्सियों के माध्यम से सेक्टर वाइज बांट दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अंदर ना जा सके और किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। पानी का बहाव पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत तेज है, हाँ। तो इसको कितना बल और कितने तैराकी यहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ पे पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार बहुत कम पानी था, लेकिन इस बार चूँकि घाट के ऊपर तक पानी है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे पर्याप्त बल 30 लोगों का बल जिला पुलिस फोर्स से और 2 तैराक इसके अलावा स्थान पे लगाए गए। इसके अलावा रिजर्व में भी हमारे पास बहुत पर्याप्त फोर्स है। सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से एक गाड़ी हमारी चल रही है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। नगर निगम की टीम भी साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। Yeah.
भगवान की जय। ग्यारह सितंबर की शाम शहर में गणेशोत्सव का उत्साह हर तरफ दिखाई दिया। लोग परिवार सहित विघ्न विनाशक गौरी नंदन के दर्शनों को निकले और पर्व की खुशियां हर तरफ छाई रही। आइए करते हैं गणपति दर्शन। और इधर पर्वादिराज पर्युषण महापर्व में तपश्चर्या से साधना करते दिगंबर जैन श्रद्धालुओं ने आज भादो सुदी चतुर्दशी यानी पर्व के दसवें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने दश लक्षण पूजन विधान में शामिल होकर शांति पाठ किया। Oh,
ॐ श्री क्षेत्रं चन्द्रमङ्गाय अनन्तप्राप्तये अर्यन्तकुमामिति दिवस है। हम सब ने मिलकर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना करी और यह चिंबाड़ा धर्म नगरी चिंबाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय है, जहां पर अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, मुच्छू मंडल, श्रीकारिणी महिला मंडल, वृंद बालिकाएं, वीतराग विज्ञान पाठशाला के सभी जिन सांसद सेवकों ने आज उत्तम ब्रह्मचर्य की मंगल आराधना करी। बंधुओं, कल 13 सितंबर को रत्नत्रय की पूर्णता होगी, उसके बाद 14 सितंबर को हम सब मिलके क्षमावाणी महोत्सव पार्श्वनाथ जी नालय में मनाएंगे। प्रातः 7 बजे से जिनबिंब प्रक्षालन, 7:30 से पूजन, उसके बाद में 9 बजे से अतिथि विद्वान के प्रवचन, 10 बजे से क्षमावाणी महोत्सव और 11:30 बजे से साधर्मी वात्सल का आयोजन किया गया है। हमारे जितने भी आयोजन में हमारे मीडिया जगत, पत्रकार बंधु, ग्लोबल चैनल सब ने हमारा सहयोग किया, वे हमारे साधर्मी वात्सल में आमंत्रित है। और मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सभी भव्य जीवों को दशलक्षण महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जाने अनजान में हमारे पूरे फेडरेशन परिवार से कुछ अपराध हुआ है, उसके लिए अग्रिम क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियाँ। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। आपकी सरकार आपके द्वार, चौरी के समसवाड़ा में लगा शिविर, कलेक्टर, एसपी और विधायक सहित अधिकारी रहे मौजूद। दक्षिण कोरिया से अध्यापन के गुर सीख के लौटा दल, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में गया था 32 सदस्यीय दल। श्री गणेशोत्सव, बड़े पूजा पंडालों में हवन और छोटी गणपति मूर्तियों के विसर्जन का क्रम प्रारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में 10वें दिन की गई उत्तम ब्रह्मचर्य धर्माराधना, श्री आदिनाथ जिनालय में हुआ शांति पाठ। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।